नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे पेबल की ये स्मार्ट वॉच स्पार्क एस। एंड दोस्तों, इस वॉच में आपको 1.85 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड ये वॉच दोस्तों हमने परचेज करी है फ्लिपकार्ट से ऑफर प्राइस में। एंड दोस्तों, ऑफर प्राइस में दोस्तों वॉच हमें मिल गई थी सिर्फ 1600 में। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं इस वॉच को, देखते हैं कैसी ये वॉच है, क्या इसमें खास है, कैसी इसकी डिस्प्ले है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों स्पार्क केस। एंड देखिए, ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बैक साइड देखें तो देखिए 1.85 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले आपको इस वॉच में मिल जाती है। यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, हार्ट रेट सेंसर और एस्पिरेटरी सेंसर भी आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग देखें तो देखिए 6000 प्राइसिंग दे रखी बॉक्स में। बड़ी दोस्तों, हमने स्पेशल ऑफर में फ्लिपकार्ट से परचेज करी थी 1600 में। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स ओपन कर लेते हैं, निकालते हैं इस वॉच को बाहर। तो दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये है हमारी वॉच, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है वॉच को चार्ज करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड। एंड यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाती है इस वॉच की। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ये वॉच आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी इस वॉच की काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो ये जो स्टिकर दे रखा है, इसे अभी हम हटा देते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो बकल दे रखा है, देखिए मेटालिक बकल है, यहाँ पे पेबल लिखा हुआ है। एंड देखिए, ऐसा कुछ आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाता है इस वॉच में। स्ट्रैप काफ़ी सिलिकॉन सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। एंड यहाँ पे आपको 20mm का स्ट्रैप मिलता है, स्ट्रैप को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों, अगर हम फ्रेम की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मेटालिक फ्रेम देखने को मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे एक बटन दे रखा है, क्राउन बटन है, बट इसमें क्राउन वर्किंग नहीं है, क्राउन नहीं चलता है। एंड बैक साइड यहाँ पे देखिए आपको हार्ट रेट सेंसर और एस्पिरेटरी सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको फ्रंट में 1.85 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 2.5D कर्व ग्लास भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी इस वॉच की काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, वॉच को अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वॉच अभी हमारी ऑन हो चुकी है। तो चलिए इस वॉच को फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, वॉच को फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए ये ऐप आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है, फिट प्रो ऐप। ये दोस्तों आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। एंड आपने यहाँ पे ऐप को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपने इस ऑप्शन में जाना है, सेट वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाइंड डिवाइसेस, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए, आपने इसको अलाउ कर देना है। एंड यहाँ पे हमारी वॉच जो है वो शो करनी चाहिए, तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी वॉच शो कर रही है स्पार्क एस। तो जस्ट आपने इसको टच करके सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो रही है। और उसके बाद दोस्तों, आपकी जो वॉच है उसमें डेट टाइम वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए स्पार्क एस कनेक्टेड शो कर रहा है। तो दोस्तों, वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो चुकी है, रेडी है पूरी तरह से यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, पहले आपको इस वॉच के सारे फीचर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस मोबाइल ऐप को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्विक सेटिंग वाले सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है कि कितनी बैटरी है वॉच, कितनी चार्ज है। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है इस वॉच में। यहाँ पे आपको देखिए टॉर्च मिल जाती है, म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ब्राइटनेस यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंट मेन्यू सेट मिल जाते हैं इस वॉच में। आपको दोस्तों चार तरीके के मेन्यू सेट मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए जो क्राउन बटन दे रखा है, देखिए वर्किंग नहीं है, घूमता तो है बट अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो देखिए इसे घूमने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्राउन जो है वर्किंग नहीं मिलता है इस वॉच में आपको। एंड यहाँ पे आपको एक्टिविटी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको देखिए हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसके बाद देखिए आपको म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाता है ऐप इंस्टॉल करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो देखिए ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स मोड, हार्ट रेट, SP2, BP। यहाँ पे आपको देखिए ब्रीदिंग की एक्सरसाइज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कैलेंडर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है इस वॉच में। यहाँ पे आपको देखिए स्टॉप वॉच मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, फाइंड फोन का ऑप्शन मिल जाता है आपको इस वॉच में। अगर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो आप फाइंड कर सकते हो वॉच के थ्रू। एंड यहाँ पे देखिए आपको गेम्स भी मिल जाती है। तो दो गेम्स आपको इस वॉच में देखने को मिल जाती है। एक तो ये वाली गेम दे रखी है, देखिए एयरप्लेन वाली कोई गेम है, गोलियाँ मार रहा है ये। एंड यहाँ पे आपको देखिए दूसरी गेम मिल जाती है, स्नैक वाली गेम भी मिल जाती है। तो यहाँ पे इस वॉच में आपको दो गेम्स भी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखिए आपको चार तरीके के मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं इस वॉच में। तो दूसरा मेन्यू स्टाइल कुछ ऐसा, देखिए एप्पल वॉच जैसा है, तो आप देखिए ऐसा भी मेन्यू स्टाइल यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे दूसरा देखिए तो देखिए आपको ऐसा भी मेन्यू स्टाइल मिल जाता है, तो इसे भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ये थर्ड वाला है। एंड यहाँ पे देखिए आपको ऐसा भी मेन्यू स्टाइल मिल जाता है इस वॉच में। तो यहाँ पे देखिए आपको चार तरीके के मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं इस वॉच में।
एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच को आप रीसेट कर सकते हो। एंड सेटिंग में दोस्तों आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए टाइम भी सेट कर सकते हो वॉच में, एंड यहाँ पे देखिए आप डेट भी सेट कर सकते हो वॉच में, एंड यहाँ पे देखिए आप जो रिस्ट टू वेकअप है वो अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन ऑन टाइम को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो वॉच में, एंड यहाँ पे देखिए आपको 12 आवर्स या 24 आवर्स वाली जो सेटिंग है वो भी मिल जाती है टाइम की। एंड यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो स्क्रीन ऑन टाइम को यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, एक मिनट दो मिनट भी अगर रखना है तो रख सकते हो। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मेन शेल मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आपने वॉच फेसेस चेंज करने हैं तो आपने जस्ट ऐसे 2-3 सेकंड के लिए स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, तो आप देखिए वॉच फेसेस को चेंज भी कर सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों मोबाइल ऐप को भी चेक कर लेते हो, तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस ऐप में। यहाँ पे डिस्टेंस की, कैलोरीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड यहाँ पे देखिए आपको हार्ट रेट का सारा डाटा मिल जाता है, स्लीप मॉनिटरिंग का भी सारा डाटा मिल जाता है इस ऐप में। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए सेट का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए वॉच हमारे फ़ोन से कनेक्टेड शो कर रही है। यहाँ पे आप अलार्म सेट कर सकते हो, सेडेंटरी रिमाइंडर आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए फाइंड वॉच का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपकी वॉच नहीं मिल रही है तो आप फाइंड कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो देखिए रिमोट कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वॉच को एज अ रिमोट भी यूज़ कर सकते हो फोटोज़ क्लिक करने के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए तो मैसेज पुश का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से दोस्तों आप सारे जो नोटिफिकेशन है वो अनेबल कर सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मैसेज, जीमेल वगैरह के, तो सारे नोटिफिकेशन आपको वॉच में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको डायल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं इस ऐप में, तो यहाँ से दोस्तों आप काफ़ी सारे जो वॉच फेसेस है वो अपडेट कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉच फेसेस दिए गए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो डिवाइस को आप रीसेट कर सकते हो, यहाँ से आप अनपेयर कर सकते हो वॉच को। एंड यहाँ पे देखिए आप वाइब्रेशन को भी देखिए ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच को आप अपडेट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ परमिशन वाला ऑप्शन दे रखा है। एंड यहाँ पे देखिए आपको ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो देखिए आप यहाँ से रनिंग की, वॉकिंग की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो ऐप के थ्रू, तो यहाँ पे आपको ऐप में ही ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको माइंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपनी जो प्रोफाइल है वो सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कुछ मोबाइल ऐप आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ लुक आपको मिल जाता है जब आप वेयर करते हो इस वॉच को, और दोस्तों देखने में वॉच काफ़ी प्रीमियम लुक देती है, एंड हाथों में इसकी जो फिटिंग है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो रिस्ट टू राइज वाला जो फीचर है, जो वेकअप स्क्रीन वाला फीचर है, वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी हार्ट रेट चेक करके देखते हैं इस वॉच में, देखते हैं कि हार्ट रेट की जो रीडिंग है वो ये वॉच क्या दिखाती है। तो यहाँ पर मैं अपना हार्ट रेट चेक कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए 93 BPM के आसपास ही मेरा हार्ट रेट शो कर रही है, जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट लग रहा है मुझे। मेरा हार्ट रेट मोस्टली 90 के आसपास ही रहता है। तो चलिए अभी SP2 लेवल भी चेक करके देख लेते हैं इस वॉच में। तो यहाँ पे SP2 भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो ये है इसका SP2 लेवल वाला ऑप्शन। तो चलिए SP2 भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम रीडिंग देखें तो देखिए दोस्तों 98% के आसपास ये मेरा SP2 लेवल दिखा रही है। बट यहाँ पे दोस्तों मुझे इस वॉच के जो सेंसर है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट रीडिंग इस वॉच में नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों एक वॉच फेस अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऐप में काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं, तो ये वाला वॉच फेस अभी हम अपडेट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वॉच फेस अभी ट्रांसफ़र हो रहा है हमारी स्मार्ट वॉच में। एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए आप ये वॉच फेस ट्रांसफ़र हो चुका है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कंप्लीट डिस्प्ले देख सकते हो इस वॉच की। तो यहाँ पे साइडों में बेजल काफ़ी कम है, नीचे की तरफ थोड़ा सा बेजल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, बट यहाँ पे डिस्प्ले में अगर आप ब्राइटनेस देखोगे तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, एंड डिस्प्ले में आपको कलर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस वाले ऑप्शन में जाते हो, चेंज दी डायल वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से दोस्तों आप गैलरी से फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने अपनी खुद की फोटो लगानी है एज अ वॉच फेस, तो आप यहाँ से देखिए कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट कर सकते हो, तो आप कोई भी फोटो चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने अपने बेटे की फोटो लगाई एज अ वॉच फेस, तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे कस्टमाइज वॉच फेस सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो प्राइसिंग के हिसाब से इस वॉच में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले भी वॉच में काफ़ी बड़ा दे रखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक और वॉच फेस अपडेट किया है, और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेस आपको इस ऐप में मिल जाते हैं, जो कि आप सेट कर सकते हो इस वॉच में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो देखिए ऐसा कुछ कॉल नोटिफिकेशन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ नोटिफिकेशन इस वॉच में देख सकते हो, इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप वॉच के थ्रू कॉल को डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते हो, रिसीव तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कॉलिंग वाला फीचर नहीं है, बट यहाँ पर आप डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते हो एंड कॉल को आप साइलेंट भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है इस वॉच में, कॉल डिस्कनेक्ट भी नहीं हो रही है एंड साइलेंट का भी ऑप्शन आपको इस वॉच में नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बताता हूँ इस वॉच के बारे में, जो मैंने ऑब्जर्व किया।
तो दोस्तों इस वॉच में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि इसमें डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। स्ट्रैप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है एंड डिस्प्ले भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। साइज़ भी डिस्प्ले का काफ़ी बड़ा है। बट इसके अलावा दोस्तों मुझे इस वॉच में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। यूज़र इंटरफेस इस वॉच का कुछ खास नहीं लगा मुझे। एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि जब कॉल नोटिफिकेशन आता है तो आप कॉल को सिर्फ नोटिफिकेशन देख सकते हो, आप कॉल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते एंड कॉल को आप साइलेंट भी नहीं कर सकते हो। एंड इस वॉच में दोस्तों जो आपको सेंसर मिलते हैं, हार्ट रेट सेंसर और स्पीड सेंसर, वो फेक सेंसर हैं जो कि बिल्कुल भी एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं देते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी वॉच चाहिए जिसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, डिस्प्ले अच्छी हो, तो आप इस वॉच को कंसीडर कर सकते हो। बट इसके अलावा दोस्तों इस वॉच में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एंड दोस्तों 1600 के हिसाब से बताऊं तो ये वॉच मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता परचेस करने के लिए। अगर आपको डिस्प्ले और डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप इस वॉच को परचेस कर सकते हो, बट मैं आपको इस वॉच को परचेस ना करने की सलाह दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।